सड़क किनारे के उस पुराने पेड़ के नीचे वो पगली बैठी हुई थी। वो गर्भवती थी। उसके कपड़े फटे चिटे थे, बाल इतने उलझे हुए थे कि लगता था कि न जाने कितने दिनों से उसने बालों में कंघी नहीं की है। उसके चेहरे पर भी मैल की मोटी परत जमा हो गई थी। उसके हाथों में राम जी की एक मूर्ति थी। कभी वो पगली अपना सिर ऊपर करके पेड़ के पत्तों को देखती और कुछ बड़बड़ाती, और कभी अपने हाथों में पकड़ी राम जी की मूर्ति को देखती और उनसे बात करती। पेड़ फल नहीं, राम जी भूखे, पगली भी भूखी, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। ये कहकर वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती। राम जी भूखे, पगली भी भूखी। हंसते हंसते वो अचानक रुक जाती और फिर रोने लग जाती। कुछ पलों के बाद वो एकदम शांत हो जाती। सड़क किनारे से कई लोग गुजर रहे थे। कोई उसकी हरकतों को देखता तो उसे पगली पगली कहकर निकल जाता, तो कोई उसकी हरकतों को देखकर भी अनदेखा करता। किसी को उस पर दया आ जाती तो वो कुछ पैसे उसके आगे डाल देता। ये ले। पगली उन पैसों को अपने हाथों में उठाती और उसे गौर से देखने लगती, फिर उसे जमीन पर रख देती। कुछ देर बाद पगली की नजर एक बाइक पर गई। उस बाइक पर पंकज अपनी पत्नी रीमा के साथ बैठा हुआ था। पगली की नजर जैसे ही पंकज और रीमा पर गई, वो उठकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब पकड़ पकड़ पकड़। पंकज और उसकी पत्नी रीमा की नजर जैसे ही उस पगली पर जाती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी बाइक की स्पीड तेज कर देते हैं। ये देखकर वो पगली एक पत्थर उठाती है और उसकी बाइक के पीछे दौड़ने लगती है। हालांकि उसने अपने दूसरे हाथ में अभी भी राम जी की मूर्ति पकड़ रखी थी। पगली लगातार उनके पीछे भागती है। अरे अरे, ये पगली तो हमारे पीछे ही पड़ गई। आप और स्पीड बढ़ाइए ना, कहीं उसके पत्थर से मेरा सिर न फूट जाए। पंकज अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाता है और बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। गर्भवती पगली उनके पीछे पीछे भागते भागते नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसके घुटने छिल जाते हैं और उनसे खून बहने लगता है। यही नहीं, उसके नीचे गिरने से राम जी की उस मूर्ति का एक हाथ टूट जाता है। वो पगली ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। राम, रा, रा, राम। उसे अपने घुटने से निकलने वाले खून की परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो राम जी की टूटी मूर्ति के हाथ की। वो उस मूर्ति को और उनके टूटे हाथ को उठाती है और फिर से सड़क पर भागने लगती है। कौन है ये पगली? इसका उस बाइक वाले से क्या रिश्ता है? क्यों वो उसे देखकर भागी? इसे जानने के लिए हमें वक्त के कैलेंडर पर थोड़े दिन पहले जाना होगा। उस पगली का नाम सीमा है। माँ माँ, देखो इस पागल ने क्या किया है, सारी की सारी सब्जी जला दी है इसने। दीपा की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमित्रा देवी भागी भागी आई और अपनी बहू सीमा को आवाज देने लगी। सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई तुम? सीमा ने अपनी सास की आवाज तो सुनी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठ सके। बहुत आवाज देने के बाद भी जब सीमा अपनी सास के पास नहीं गई, तो सुमित्रा देवी और उसकी बेटी दीपा उसके कमरे में गई और बेशरम, यहाँ चिल्ला चिल्ला कर हमारा गला बैठ गया और तू यहाँ महारानी की तरह लेटी हुई है, उठ चल उठ, तेरी सारी महारानी गिरी निकालती हूँ। ये कहकर सुमित्रा ने अपनी बहू सीमा के बाल पकड़े और उसे खींचती हुई उस कमरे में ले गई, जो कमरा कम टॉर्चर रूम ज्यादा था। वहाँ सुमित्रा और उसकी बेटी दीपा ने अपनी बहू सीमा को एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसे कुर्सी से बांध दिया। सीमा इतनी कमजोर थी कि वो उनका विरोध ना तो शरीर से कर पा रही थी और ना ही मुंह से बोलकर। दीपा चल लगा इसे करंट और ले मजा। अपनी माँ की बातों को सुनकर दीपा ने सुमित्रा के शरीर से करंट वाला तार सटाना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट वाला तार सीमा के शरीर से छूता, वो चिल्ला उठती, आ आ। कुछ देर बाद वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। उन दोनों ने उसे उसी हालत में छोड़ा और दूसरे कमरे में चली गई। वहां जाकर उन्होंने फोन पर चिकन बिरयानी ऑर्डर की और चिकन बिरयानी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सुमित्रा देवी के मोबाइल पर उसके बेटे पंकज और बहू रीमा का वीडियो कॉल आया। अरे बेटा, जब से तुम दोनों हनीमून पर गए हो, हमें तो भूल ही गए हो। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम लोगों को भूल जाऊँ, ये हो सकता है क्या? तभी दीपा ने अपने भैया से पूछा कि भैया, रीमा भाभी कहाँ है? जल्दी से तुम लोग आ जाओ ना, और जो काम बाकी रह गया उसे खत्म करो। वैसे भैया, तुमने जैसा कहा था, हम दोनों हर दिन वैसा ही कर रहे हैं। उस भिखारन को हर दिन दो टाइम बिजली का करंट हम दे रहे हैं।
सीमा के ससुराल वाले बहुत ही जालिम थे। पंकज की शादी उन्होंने 2 साल पहले की थी, लेकिन जब से वो इस घर में आई थी उसे हर दिन दहेज के लिए ताने दिए जाते। मेरी तो मत मारी गई थी जो इस भिखारन को ब्याह करके ले आया। इसका बुढ़ा बाप शादी के पहले कह रहा था कि ये देंगे वो देंगे, और शादी के बाद सब भूल गया। मन तो करता है पहले इसका गला घोंटूं, फिर इसके बाप को जाकर गोली मार दूं। आप पिताजी के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ तो दिया ही है आपको। देख रही हो ना माँ, देख रही हो ना इसकी लंबी जुबान। हाँ, जबान लंबी है तो लगाम लगा, नहीं तो ये बेलगाम हो जाएगी। अपनी माँ के कहने पर पंकज ने सुमित्रा की पिटाई शुरू कर दी। वो इतना बेरहम था कि उसके हाथ जो आता वो उसी से उसकी पिटाई कर देता। एक दिन तो उसने लोहे की सलाखों से पहले उसे पीटा और फिर उन्हीं सलाखों को गर्म करके उसके शरीर को उससे दागने लगा। अरे मत करिए, मत करिए, ऐसा मत करिए, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो जोरों से चिल्लाती तो सुमित्रा देवी और दीपा उसका मुंह बंद कर देती। वो बेचारी मन ही मन अपने राम जी को याद करती और उनका ध्यान करती। हे राम जी, आप इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। सीमा राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बिना उनकी आराधना और पूजा के वो पानी भी नहीं पीती थी। वो जब अपने ससुराल आई थी तो अपने साथ अपने मायके से राम जी की मूर्ति भी लेकर आई थी, जो हमेशा उसके साथ रहती। सीमा उसी मूर्ति से अपने सुख दुख कहा करती, लेकिन सीमा के जीवन में तो अभी और भी दुख आने थे। एक दिन उसका पति पंकज जब घर लौटा तो साथ में सीमा की सौतन को लेकर लौटा। माँ, माँ दीपा, दीपा, अरे देखो तो कौन आई है। पंकज की माँ ने जब देखा कि पंकज एक नई नवेली दुल्हन के साथ घर लौटा है, अरे वाह बेटा, तुमने तो वो कर दिया जो हम चाहते थे। हम तो चाहते ही थे कि इस भिखारन से पीछा छुड़ाए और तेरे लिए नई दुल्हन लेकर आए। लेकिन जब सीमा को अपनी सौतन के बारे में पता लगा तो वो रोती हुई अपने पति के पास गई और उससे बोली, ये आपने क्या किया, मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली। हाँ कर ली, क्योंकि तू कोई काम की नहीं है। ऐसा मत कहिए, आप पति है मेरे, मैं पत्नी हूँ आपकी। मैंने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। सीमा की बातों को सुनकर उसकी नई नवेली पत्नी रीमा ने उससे कहा, ये क्या साथ फेरे लगा रखी है, मैं क्या बिना साथ फेरे की आई हूँ। देख मेरे पति से दूर रहे, नहीं तो मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। हाँ, वो सब मिलकर सीमा पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगे। इन दिनों उन सभी ने सीमा पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। वो उसे अब बिजली का शौक देने लगे थे। वो चाहते थे कि सीमा को वो पागल कर दे और उसे घर से निकाल दे। कुछ दिन ये सिलसिला चला। एक दिन पंकज ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं और रीमा कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जाना चाहते हैं। हम दोनों 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद भी उस कलमोही को बिजली के शौक देती रहना, ताकि वो जल्दी पागल हो जाए। सीमा उनके हर जुल्म राम जी का नाम लेकर सह रही थी, लेकिन धीरे धीरे शौक का असर उस पर होने लगा था और वो पागलों वाली हरकत करने लगी थी। कुछ दिनों बाद पंकज और रीमा हनीमून से वापस आ गए। जब सीमा ने उन दोनों को एक साथ देखा तो वो उस पर चिल्ला उठी और उन्हें मारने के लिए दौड़ी। मार दूंगी, तुम लोग को मार दूंगी। बस यही तो पंकज और उसका पूरा परिवार चाहता था। उन्हें तो बस उसे घर से निकालने का बहाना मिल गया था। माँ, ये तो पूरी तरह पागल हो गई है। अरे ये तो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। इससे पहले कि ये हम पर हमला करे, इसे घर से निकालना होगा। उन्होंने पागल पागल बोलकर उसे घर से निकाल दिया। लेकिन सीमा जाते जाते भी अपने राम जी की मूर्ति को अपने सीने से लगा कर रखती है। घर से निकाले जाने के बाद बेचारी सीमा अब दर दर भटकने को मजबूर हो गई थी। उसके दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था, इसलिए वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी सड़क या नाले में गिरी चीज को उठाकर खा लेती। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने राम को अपने सीने से लगा कर रखती। इसी दरमियान पंकज और रीमा को एक बार फिर उसने देख लिया था और वो उस पर भड़क गई थी। बहरहाल पंकज और रीमा जब अपने घर पहुंचे तो आज तो वो पागल हमारे पीछे ही पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उससे हमने अपना पीछा छुड़ाया है। बेटा, वो कल को फिर से तुम्हारा रास्ता रोक सकती है, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा दे। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना, क्योंकि मैंने सीमा को तलाक तो दिया ही नहीं था, और अगर कहीं से पुलिस को ये बात पता लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और भैया, पुलिस को अगर ये पता लग गया कि उस भिखारन को पागल करने में हमारा हाथ है तो हम सब जेल चले जाएंगे, इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है। उन सभी ने सीमा को मारने का प्लान बनाया।
वे सीमा को एक्सीडेंट में मारना चाहते थे क्योंकि इस तरह से किसी को कोई शक नहीं होता। वे सभी अपनी कार में बैठे और कार पूरी स्पीड से सीमा जिस पेड़ के पास रहती थी वहां चल पड़ी। रात का समय था। सीमा सड़क किनारे फुटपाथ पर अपने राम जी की मूर्ति को पकड़कर बैठे हुए थी। भैया वो रही वो पागल फुटपाथ के पास, उड़ा दो उसे। तेज रफ्तार कार उसे उड़ाने के लिए आगे बढ़ी लेकिन तभी वहां बिजली सी चमकी और साक्षात रामचंद्र भगवान तीर धनुष हाथों में लेकर वहां प्रकट हो गए। राम जी ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और सीधा कार के ऊपर मार दिया। पल में ही कार में आग लग गई। कार धू धू कर जलने लगी। अरे अरे बचाओ बचाओ कोई बचाओ, अरे बचाओ। वे सारे अत्याचारी जलकर खाक हो गए। उसके बाद राम जी ने अपना स्नेह भरा हाथ सीमा पर रखा। एक बार फिर से एक ज्योति निकली और सीमा बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने जब अपने सामने राम जी को देखा तो प्रभु आप मेरे राम, आप आए हैं मुझे सी अभागन के लिए। बेटी तुम अभागन नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन धरती के लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ यानी अपने पिता के साथ। ये कहकर भगवान राम सीमा को अपने लोक लेकर चले गए। एक बार फिर से उन्होंने रावण जैसे अत्याचारियों का संहार कर दिया। हे कृष्ण कन्हैया, आप हो तो हम सब हैं। आज होली है इसीलिए मैं आपको रंग लगाने आई हूँ, इस भक्त को आज्ञा दें। ये बोलकर राधा ने कृष्ण भगवान की मूर्ति के दोनों पैर में गुलाल लगा दिया और गुलाल लगते ही कृष्ण भगवान की मूर्ति से एक फूल आकर राधा के सामने गिर गया। राधा ने वो फूल अपने हाथ में उठा लिया और रो पड़ी। आपने आज मुझे उत्तर दिया, आज मैं धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई। तभी राधा का पति रतन वहां आया और राधा से बोला, ए राधा की बच्ची, यहां बैठकर भगवान के साथ गुलाल गुलाल खेल रही है और मैं कब से खाने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको तो पता है मैं पूजा करने से पहले रसोई नहीं जाती। अरे रख तेरा पूजा, चल अभी मेरे साथ। ये बोलकर रतन ने राधा का बाल पकड़ लिया और उसे खींचते हुए लेकर चला गया और फिर वो राधा को मारने लगा। राधा की सास बिमला भी आ गई और उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। राधा को शादी के बाद से ही ये सब झेलना पड़ रहा है। रतन राधा को पसंद नहीं करता है। राधा कृष्ण भगवान की भक्त है। उसके पास कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति है और वो उसी मूर्ति की पूजा करती है। आज होली है इसीलिए सुबह सुबह सज धज कर राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति को गुलाल लगाने गई थी, लेकिन आज भी उसे मार खानी पड़ी। उसके बाद उसने उन दोनों के लिए खाना बना दिया और घर के सारे काम भी कर दिए। रात को रतन और बिमला बैठकर एक प्लान बनाने लगे। माँ मैं कल शादी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, उधर रेशमा शादी के लिए जिद कर रही है। तेरे साथ रेशमा की शादी हो वो तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, लेकिन राधा का पिता हमें हर महीने पैसा देता है, तेरी दूसरी शादी के बाद कहीं वो बंद ना हो जाए। उसी पैसे के चक्कर में मैंने आपके कहने पर शादी कर लिया था, लेकिन अब और नहीं, मेरे पास एक प्लान है। रतन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, उसने एक प्लान बना लिया। रात को जब राधा सो गई तब वो दोनों उसके कमरे में गए, लेकिन कुछ आवाज से राधा की नींद टूट गई और वो उठ गई। कौन है वहाँ? रतन के हाथ में एक डंडा था, तभी उसने डंडे से राधा के सिर पर वार किया और राधा जमीन पर गिर गई, उसके सर से खून बहने लगा। इसका काम तो तमाम हो गया, अब ये मायके नहीं लौट सकेगी, इसके बाप को भी नहीं पता चलेगा कि ये मर गई है, पैसे भी मिलते रहेंगे और मैं रेशमा से शादी भी कर लूंगा। जा अब इसे जंगल में फेंक कर आ, साथ में इसके उस कृष्ण की मूर्ति को भी इसकी बॉडी के साथ रख देना। रतन राधा की बॉडी को जंगल में फेंक देता है और मूर्ति को भी बॉडी के पास में रख देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि राधा पूरी तरह मरी नहीं थी, उसके शरीर में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी। अगले दिन रतन ने उसकी गर्लफ्रेंड रेशमा से शादी कर ली। असल में वो रेशमा से ही प्यार करता था, लेकिन वो निकम्मा था इसीलिए बिमला ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जिसके बाप के पास पैसे हो। उधर राधा का पिता हरिहर अमीर था और राधा काली थी, इसीलिए हरिहर हर महीने 30,000 रुपए रतन को देने के लिए तैयार हो गया और रतन ने राधा से शादी कर ली। लेकिन एक साल बीतने के बाद वो रेशमा से शादी करने के लिए तड़प उठा और उसके ही चलते उसने राधा का खून कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद राधा ने आंख खोली। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? राधा हंसने लगी। सर पर चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल चुकी थी, वो पागल हो गई थी। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपनी गोद में उठा लिया।
उसे बस इतना याद था कि वो कृष्ण की भक्त है। चलिए भगवान, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ तो खाना भी नहीं है। उसके कपड़े गंदे हो रखे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। रास्ते में लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन उससे राधा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो एक ठेले वाले के पास गई। मुझे कुछ खाने देगा? ए आदमी, मुझे कुछ खाने के लिए देना, दे देना। वो आदमी गुस्सा हो गया। अरे जा यहाँ से, पागल औरत कहीं की, वैसे भी धंधा नहीं चल रहा है, ऊपर से आ गई, जा यहाँ से। उस ठेले वाले ने राधा को वहाँ से भगा दिया। ऐसे सभी ने राधा को भगा दिया, किसी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। राधा को बहुत भूख लगी थी। उसने देखा कि रास्ते में कुछ खाना पड़ा हुआ है और वहाँ एक कुत्ता उस खाने को बड़े मजे से खा रहा है। वो रहा खाना, वो रहा, ए कुत्ता हट जा, हट हट जा। राधा कुत्तों की तरह वही खाना खाने लगी। कुत्ता भी ये देखकर हैरान हो गई। ए कुत्ता, तू भी खाएगा? ये ले 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 ले, तू भी खा, तू भी खा। राधा ने कुत्ते को भी खाने के लिए दिया। वो कुत्ता दुम हिलाते हुए खाने लगा और फिर वो राधा के पीछे पीछे ही चलने लगा। हे भगवान, मैंने कृष्ण भगवान को ही खाने के लिए कुछ नहीं दिया, आप क्या खाना पसंद करेंगे भगवान? लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये सुनकर उस कुत्ते को भी बुरा लगा। उस कुत्ते ने पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट उठा लिया और राधा को दिया। अरे वाह, तू भी मेरी तरह कृष्ण भगवान का भक्त है क्या? कुत्ते ने दो बार भौंका। राधा ने रास्ते में ही बिस्किट से कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर से उठकर चलने लगी। उधर रतन बहुत खुश था, रेशमा से शादी करने का सपना जो पूरा हुआ था। रतन, क्या दिमाग लगाया तुमने, फ्री में 30,000 रुपए मिल रहे, वाह मान गई आज तुमको। दिमाग लगाना पड़ता है मेरी जान। लेकिन राधा का बाप कॉल करेगा तो क्या होगा? अरे तुम बात कर लेना ना राधा बनके, वैसे भी मैं उसे यहाँ आने नहीं देता, राधा से मिलने नहीं देता, वो कभी कभी मुझे कॉल करके राधा से बात कर लेता था, तुम ही बात कर लेना, उसे समझ नहीं आएगा। दोनों खुशहाल जिंदगी के सपने देख रहे थे, लेकिन स्वर्ग से भगवान कृष्ण भी तो ये सब कुछ देख रहे थे। सबका विचार यहीं पर होना था, इसी धरती पर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राधा के पिता हरिहर को एक दिन बेटी से बात करने की इच्छा हुई। बहुत दिन हो गए राधा बेटी से बात किए हुए, एक बार दामाद जी को कॉल कर ही लेता हूँ। हाँ। हरिहर ने रतन को कॉल किया। रतन ने रेशमा को फोन थमा दिया। हाँ बाऊजी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया है। बात करने के बाद हरिहर कुछ सोचने लगा। आज बिटिया की आवाज कुछ अलग क्यों लग रही थी, और वो मुझे बाऊजी क्यों बुला रही थी, वो तो मुझे पिताजी बुलाती है ना, कुछ तो गड़बड़ है। उधर रास्ते में घूमते हुए राधा बहुत दूर चली गई। वो रास्ते में ही सोने लगी। लोग पागल समझकर उसे यहाँ से वहाँ भगाने लगे, लेकिन वो हर रोज दोपहर को कृष्ण भगवान की पूजा करती रही। खुद को चाहे खाने का एक टुकड़ा ना मिले, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए वो कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो पूजा कर रही थी और तभी उसका सर चकरा गया और वो जमीन पर गिर गई। उसका कुत्ता उसके साथ ही था, उसने भौंक भौंक कर लोगों को बुलाया। कुछ लोग आए और उसे अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि राधा के पेट में 1 महीने का बच्चा है। राधा बहुत खुश हुई। वो इधर उधर भटकती रही, वो बारिश में भीगी, तूफानों में फुटपाथ पर रात बिताई। उधर हरिहर एक दिन रतन के घर आया, लेकिन रतन ने उसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। ए बुड्ढे, तू इस घर के अंदर नहीं घुस सकता, जा भाग यहाँ से। हरिहर का शक और पक्का हो गया, क्योंकि उसकी बेटी घर के अंदर होती तो अपने पिता की आवाज सुनकर बाहर तो आती। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि मेरी बेटी इस घर के अंदर है कि नहीं, लेकिन कैसे है मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए, 9 महीने बीत गए। एक गर्भवती पागल औरत को देखकर रास्ते के लोग हंसने लगे। अरे वो देख, पागल औरत पेट से है, उसका बच्चा होने वाला है। पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं ऐसी गंदी औरतें। और एक रात को राधा के पेट में दर्द होना शुरू हुआ, वो रास्ते पर ही सो गई। और बहुत दर्द झेलने के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। उसका बेटा दिखने में बिल्कुल कृष्ण भगवान के जैसा ही था। बेटे का चेहरा देखकर वो सारी पीड़ा दुख दर्द भूल गई। लेकिन तभी अचानक से भूकंप शुरू हो गया, आसपास सब कुछ हिलने लगा और मिट्टी धंसने लगी। कृष्ण भगवान की मूर्ति गिर गई और मिट्टी के अंदर घुस गई। राधा ने अपने बेटे को उस कुत्ते पर बिठा दिया और खुद जमीन के अंदर हाथ डालकर भगवान की मूर्ति निकालने लग गई। लेकिन ये करते हुए उसे चोट लग गई और उसका हाथ टूट गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने मूर्ति को बाहर निकाल लिया, लेकिन वो हाथ के दर्द से तड़पने लगी। भूकंप रुक गया और तभी वहां के एक डॉक्टर अपनी गाड़ी में आए।
अरे बाप रे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब ने सभी को गाड़ी में बिठा लिया और चल दिए। सुबह हो गई और डॉक्टर साहब ने घर के सामने गाड़ी रोकी। ये और कोई नहीं बल्कि रतन का घर था। रतन, बिमला, रेशमा घर से बाहर आए। क्या बात है, आप कौन है? ये लड़की आपको कहाँ से मिली? तभी वहाँ पर हरिहर आ गया। बेटी, बेटी तू यहाँ, क्या हुआ है तुझे बेटी? लेकिन राधा किसी को नहीं पहचान पाई। अच्छा, तो तू उस दिन मरी नहीं थी। ठीक है, मैं तुझे आज मार देता हूँ। ये बोलकर रतन ने डंडा उठा लिया, लेकिन तभी वो डॉक्टर साहब कृष्ण भगवान में बदल गए। रुक जाओ, मैं डॉक्टर के वेश में राधा को यहाँ से लेने आया हूँ, तुम लोगों को सबक सिखाने आया हूँ। कृष्ण भगवान ने तीनों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। तीनों का देहांत हो गया। उन्होंने राधा को ठीक कर दिया। कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद से राधा अपने पिता और बेटे के साथ रहने लगी। वो कुत्ता भी उसके साथ रहने लगा और अगले दिन सभी खुशी खुशी होली मनाने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।